ओम शांति। आज हम 28 मार्च 2002 की मुरली कंटिन्यू करेंगे, जिसका टाइटल है इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो जहां हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। निर्माण का मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो, ऐसे नहीं तीन बातों में तो निर्माण हूं, एक कम हुआ तो क्या हुआ। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरंकारी स्वतः ही बना देती है। निरंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। अगर निर्माण बनते हैं तो निरंकारी स्वतः ही बन जाते हैं। निर्माणता हरेक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते हैं। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को गोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, बाबा पूछते हैं। मनाना माना बनना, स्वतः निर्माण निर्मल बनना, सिर्फ कहना नहीं हाँ यह वर्ष है, ऐसा बनना है। बनना है ना, बस एक बोलो जो सब कहे, और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। ऐसे नहीं कहे नहीं नहीं ये तो सुना नहीं, जाओ। ऐसे नहीं, हीरे मोती मुख से निकले। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना। आप समझते हो क्या हुआ बोल दिया, ऐसे ही तो है। लेकिन दुख के खाते में जमा होता है, समझा? इसीलिए अकाउंट रखना। ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया, रखने से फायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आप ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिमछिम हो गई है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी
आपके आगे झुकनी है। तो सुना, वर्ष की सेवा का सुनाया ना, अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकलते हैं। अभी कोई वारिसों की छिमछिम करो, वह होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है, अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डबल फॉरनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है? डबल फॉरनर्स जो समझते हैं कि किसी कैसे भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलना भूलने चाहते हैं, उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं, बस सीधा लंबा हाथ उठाओ, बाबा मुबारक देते हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि एक सेकंड में नहीं, एक घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत थोड़ा है ना, एक घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वह हाथ उठाओ। देखा, फॉरनर्स तो बहुत अच्छे हैं, भारतवासी भी जो समझते हैं एक घंटे में नहीं, आधे दिन में बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। कोई ने हाथ नहीं उठाया, पर है तो सही, बाप दादा को पता है, बाप दादा तो देखना चाहते, देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो, आधा दिन लगे, एक घंटा लगे, या आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सो गति क्या होगी? समझदार तो हो ना, इसीलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे, अपना तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मनसा सेवा का टाइम टेबल अपने आप बनाएंगे तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसीलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, कोई भी समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, जब बाप दादा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये नहीं हो, कहते हैं नहीं, लेकिन होता रहता है। इतना भी चाहते हैं कि नहीं हो, फिर भी होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी हैं, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं, और जला के फिर हड्डियां जो हैं वह आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देने है, देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती है ना, वह ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो।
तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, 10 बारी मुरली पड़ी फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त कर दो। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो बाबा पूछते हैं, मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे? जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे? एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना? अच्छा है, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहारों तो से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयां देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से यह तो खुशी की आवाज निकले, हमारा बाप आया है। ठीक है, अच्छा। बाकी दादियां पूछती हैं, बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा? यही सवाल, यही क्वेश्चन है ना? तो बाप दादा कहते हैं, जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है। बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल पूरी करेंगे, लेकिन आवश्यकता हुई तो दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है ना, क्यों नहीं बाप दादा आवे? लेकिन रथ को भी तो देखो, 33 वर्ष पाठ बजाना भी आफरीन है। इतनी बड़ी शक्तियों का को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या करती है बताएं? कोई भी बात होगी कहेगी, अभी अभी जाओ संदेश लेके आओ। तो बच्ची कहती है, दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अभी जाओ, मरना तो पड़ता है ना, शरीर से तो मरना पड़ता है ना, चाहे संदेश हो चाहे बाप दादा की पधरामनी हो। पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है ना। इसीलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, अब बाप दादा मीटिंग की बात कर रहे हैं भाई बहनों से। जो भी मीटिंग के लिए आए हैं वह उठो। अच्छा, और भी आने वाले होंगे। मीटिंग में इसी विधि से सर्विस के प्लान बनाना और मुक्त वर्ष मनाने की सहज विधि बताना, एक दो को राय देना। इस वर्ष में सब मुक्त हो जाएं, हो सकता है? एक वर्ष में हो सकता है? बाबा पूछते हैं, बोलो, हो सकता है? हाँ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, दिल खुश कर दिया, ऐसे ही खुश करना। बस हर एक अपने को मुक्त करो, दूसरे को नहीं देखो। अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हो ना, अगर हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ली तो सब हो जाएगा। आपको फॉलो करने वाले आप ही फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल तो बनो ना। तो
ऐसा प्लान बनाना। यह कॉन्फ्रेंस हुई, यह भाषण हुआ, ये नहीं, मन की स्थिति के प्रोग्राम बनाना। अच्छा, अब सेवा का टर्न है राजस्थान और इंदौर, खास करके इंदौर का है। राजस्थान में सेवाधारी बहुत है, ग्रुप भी बड़ा है ना। अच्छा, सभी ने अपने पुण्य का खाता जमा किया, दुआएं ली। यह बहुत सहज विधि है, जमा करने में सबसे सहज विधि है दुआएं दो अर्थात दुआएं लो। बहुत सहज विधि है जमा करने में सबसे सहज विधि दुआएं दो अर्थात दुआएं लो। दुआएं देना ही दुआएं लेना, दुआ लेना है। तो आप सबने दुआएं, दुआओं का खाता जमा किया, तो आपके खाते में मार्क्स जमा हो गई है। अच्छा है, यह भी एक चांस मिलता है। तो पहले सुनाया था ना, वह होते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, आप हो पुण्य के खाते का चांस लेने वाले चांसलर। तो बहुत अच्छा किया, सभी ने अच्छी सेवा की, सबको सुख दिया, ठीक रहे ना। बाबा पूछते हैं सेवा ठीक रही, सेवा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बहुत अच्छा। अभी कल्चरल विंग, सोशल विंग और सिक्योरिटी विंग की मीटिंग चल रही है। कल्चरल वर्क, कल्चरल वर्क वाले सभी कल्चरल करने वाली आत्माओं को ब्राह्मण कल्चर भी सिखाते हो ना। तो कल्चरल और कल्चर दोनों ही सिखाते, सभी आत्माओं को बाप के समीप लाते रहो। कल्चरल तो मनोरंजन है, तो सदा मनोरंजन कैसे रहे, वह शिक्षा वह विधि भी सिखा के सभी को सदा खुश बनाना। अच्छा है, यह भी सर्विस का साधन अच्छा है, लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सब सेवा में संतुष्ट हो ना। बाबा पूछते हैं संतुष्ट हो। अभी सिक्योरिटी वाले, मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी, तो तीनों को, तीनों ही काम करते हो ना। या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल तो नहीं करते हो, पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतनी ही दूसरे को भी मन की सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा काम है, बहुत आवश्यक कार्य है। सिक्योरिटी सबसे आवश्यक है और ऐसे सिक्योरिटी वाले तो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और सदा आगे बढ़ते रहना, बढ़ाते रहना। अच्छा, अभी सोशल वर्क, हर वर्ग का कार्य तो बहुत सुंदर है। वर्तमान समय में सोशल वर्क का कार्य भी आवश्यक है और सोशल वर्कर में विशेषता होती है अथक और प्यार से हर कार्य में सोशल वर्क करने की। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसीलिए अथक भी हैं और हर कार्य में हर विधि से सोशल वर्क द्वारा आत्माओं का कल्याण कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अभी हर एक वर्ग जो बाप दादा ने विधि सुनाई उसी विधि प्रमाण प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को,
सदा निर्माण बन, निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को। सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को। सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक भी है और होली की भी, अर्थात सेकंड में होली। बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोतामेल भी मिले हैं, याद प्यार के पत्र भी मिले हैं, कार्ड भी मिले हैं और दिल के संकल्प भी पहुंचे हैं। दिल की रूह रिहान भी पहुंची है। उन सब के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार के साथ ही सभी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी की तरफ से प्यारे प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आखिर में दादियों से बाप दादा की मुलाकात। अभी भी जितना नजदीक से आप मिलते हो उतना कौन मिलता है। बाबा निर्मल शांता दादी निर्मला शांता दादी को से बात कर रहे हैं। अच्छा पार्ट बजा रही हो। प्रकृति को चलाने का ढंग अच्छा है। बाबा चलाता है और आप चल रही हो। चलाने वाला चल रहा है। सभी अच्छे चल रहे हैं। शरीर को अच्छा चलाने का ढंग आया है। अच्छा है जो हो रहा है। अच्छा है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी एक मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ना आगे हाँ जी बोलिए नमिता बहन जी, आप भी बोल सकते। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता
हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी, दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्मलता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्मलता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा दादा ने हमें मन का टाइम टेबल फिक्स करने के लिए कहा है। अगर हम मन को सदा बिजी रखेंगे तो वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं आप ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा एक एक सेकंड टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई कारण या कोई ब्रेक लगानी होती है तो हमारे पास वो शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होता, इसीलिए सेकंड में स्टॉप नहीं लगा सकते। तो बाप दादा देखते हैं कि मेहनत भी कर रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं, लेकिन हमें शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, तभी हमारी बिंदी लग सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने वेस्ट को समाप्त करने के लिए बताया, कुछ कुछ बातें छोटी छोटी बाबा ने बताई है, जैसे आप किसी दूसरे की कमियों को नहीं देखो। जब हम सामने वाले के व्यर्थ को देखते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है, तब हमारा वेस्ट ज्यादा बढ़ता है। दूसरा बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी लगाओ, एक घंटे के बाद नहीं, क्योंकि अगर हमने तुरंत बिंदी लगा दी तो वो लग जाएगी, लेकिन एक घंटे के बाद तो 100 व्यर्थ और आ जाएंगे, फिर उनके ऊपर बिंदी लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए बाबा कहते सेकंड में बिंदी लगाओ। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं कि आप उसको योग अग्नि में भस्म कर दो, जो भी व्यर्थ है उसके लिए शक्तियों का स्टॉक जमा करो, और जो भी कुछ बच जाता है ना, जैसे हड्डियां बच जाती है, राख बच जाती है, तो फिर उसको बाबा के हवाले कर दो। इसके अलावा बाबा ने बताया निर्माण बनो, निर्माण बनने से निरहंकारिता स्वतः ही आ जाती है, और अहंकार जब आता है, अभिमान जब आता है, तभी वेस्ट ज्यादा होता है, तो उसकी जगह आप निर्माण बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सिक्योरिटी के बारे में बात करी, तीन प्रकार की सिक्योरिटी, मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी। तीनों ही सिक्योरिटी आज के जमाने बहुत आवश्यक है। उसके बारे में बाबा ने कहा सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी, और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी, और धन को सफल करने की सिक्योरिटी। तो तीनों ही काम करते हो ना, बाबा ने याद दिलाया। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हमें हर एक की विशेषता देखनी है, विशेषता वर्णन करनी है, और उनको विशेषता द्वारा उमंग उत्साह दिलाना है। फिर बाबा ने कहा कि आप बोल में निर्माणता कम है, थोड़ा जब बोलते हो तो थोड़ा कार्य का कि मैं बड़ा अच्छा कार्य करता हूँ वो अभिमान आ जाता है, या कभी सीट का अभिमान आ जाता है, मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, ये थोड़ा थोड़ा अभिमान जो दिखाई देता है, तो बाबा कह रहे हैं कि ये निर्माण बोल नहीं निकल इससे बनते हैं। तो निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। तो निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा निर्माणता निरंकारी स्वतः ही बना देती है, निरंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता ऐसी चीज है, कोई भी कोई कैसा होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के लिए निमित्त बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, जो भाई बोल रहे इसके आगे मैं बताना चाहती हूँ कि निर्माणता में बाबा कहते हैं कि बनना है ना, ये बस नहीं, बस ऐसे बोलो कि जो सब कहें और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो, ऐसे नहीं कहें कि नहीं नहीं ये तो सुनो नहीं, जाओ,
ऐसे नहीं हीरे मुख से, हीरे मोती मुख से निकले, अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना, आज समझते हो तो क्या हुआ? बोल दिया, ऐसे नहीं, लेकिन दुख के खाते में जमा होता है। ओम शांति। इसलिए अपना अकाउंट रखना, ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया, रखने से ही फायदा है। बाबा बार बार अकाउंट रखने के लिए आज कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कल्चर विंग वालों के साथ बात करते हुए बोला कि तुम्हारा क्या काम है, मतलब कल्चर विंग वालों का क्या काम होता है, सबका मनोरंजन करना, खुश करना, संतुष्ट करना। तो बाबा ने कहा कि इसको कल्चर ही बना लो ना, सबको खुश करना, सबको संतुष्ट करना, तो ये हमेशा के लिए इसको अपनी कल्चर बना लो। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे, अपना तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने बताया कि जमा करने का विधि है दो आ दो, बस दो आ देते चलो, जमा का खाता बढ़ते जाएगा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है निर्माणता एक ऐसा गुण है, वो उस गुण से आत्माओं तो क्या, परमात्मा भी ऐसे गुण जिसमें होती है उसके ऊपर बाबा भी झुकता है। तो निर्माणता कितनी बड़ी एक गुण है, जिसको धारण करने से आत्मा भी साथ साथ परमात्मा भी उस आत्मा के ऊपर अपना निचावर हो जाते हैं। ओम शांति। इस निर्माणता को थोड़ा स्पष्ट करेंगे, निर्माणता अर्थात मानता मना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अर्थात जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि निर्माण माना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी आत्मा हो, हर एक के प्रति शुभ शुभ बोलो, उसको उठाने के काम करो। अगर किसी आत्मा में अगर कोई कमजोरी भी हो ना, तो भी बाबा कहते ऐसे शब्द बोलो जो वो दौड़ सके, उड़ सके, माना किसी को भी गिराना नहीं है, हमें ऊपर उठाना है, हर एक को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ये है निर्माणता। ओम शांति। निर्माणता को हम ऐसे भी ले सकते हैं ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ रहना, जैसे हमें अहंकार नहीं, जैसे दीदी ने कहा तो हम जब भी कोई बोल बोले तो बाबा ने कहा ना कि अभिमान से क्यों बोलते हो, अगर किसी को थोड़ा भी दुख भी लगा तो वो हमारा जमा का खाता बढ़ता है, दुख में दुख दिया उसमें। तो निर्माणता है डाउन टू अर्थ, और निर्माण करना वो है कंस्ट्रक्ट करना, और निर्माण बनना वो है डाउन टू अर्थ ह्यूमिलिटी, जैसे एकदम डाउन टू अर्थ रहना है, अपने लो प्रोफाइल में रहना, वो होता है। ओम शांति। ओम शांति। मना निर्माण, निर्माण भी हो सकता है और निर्माण रचयिता भी हो सकता है शब्द, निर्माण बनना, हाँ निर्माण बनना और निर्माण करना वो दोनों अलग अलग है, तो उसके प्रयोग, उसके मुताबिक प्रयोग करना है हमें, निर्माण बनना है और निर्माण करना है, वैसे निर्माण और निर्माण भी दोनों एक ही। अच्छा ओम शांति। नहीं निर्माण बोले तो जैसे मान की इच्छा न रख, ओम शांति, निर्माण ये न आता है इसमें, जैसे कोई भी मान शान की इच्छा न रखना, जैसे आप कहीं भी जाओ आपको, आप अपने हिसाब से रहते हो, मतलब एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ ये रखा जाएगा, मेरा ख्याल रखा जाएगा, मेरी मान रखा जाएगा, मगर वहाँ आपके हिसाब से, आपकी उम्मीदों के हिसाब से आपका मान नहीं रखा जाएगा,
आपको एकदम अनदेखा किया जाएगा, फिर भी उसमें आप निर्माण बन निर्माण करना है। निर्माण बोले तो उन लोगों को उल्टा आपको और भी मान देके उन लोगों की नेगेटिविटी को घटा के और उनको पॉजिटिविटी का वाइब्रेशंस देना है। ये निर्माण बन निर्माण करना, आपको भले कोई मान ना दे फिर भी आप उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, उल्टा और आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, शुभ भावना रखना, पॉजिटिविटी में बदलना। ओम शांति। गुड। ओम शांति। जैसे कोई चीज, कोई भी चीज का निर्माण होता है तो वो शून्य से होता है, तो पहले अपने विकारों को देखना और उसको बिल्कुल जीरो कर देना। और जैसे हम कोई चीज जैसे इमारत बनाते हैं तो पहले जो पहले की इमारत होती है उसको पहले ग्राउंड कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, वैसे अपने विकारों को जीरो करना है और फिर उसके ऊपर सर्जन करना है और फिर उसके अंदर निर्मलता का गुण, जैसे करुणा भाव हो, समझदारी का भाव हो कि अगले को समझे कि उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या विडंबना है, उसकी क्या चैलेंज है। तो जब हम खुद निर्माणता का भाव रखेंगे तब निर्मल स्वतः ही बन जाएंगे। जी भाई जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, ओम शांति दीदी। शुक्रिया। आप लोगों ने जो अभी चिंतन किया उसी में मैं कुछ ऐड करके पूछना चाहता हूँ। अभी आया बात, दो बात आया, एक तो नेगेटिविटी बताकर पॉजिटिविटी फील कराना, तो इसका किसी ने अनुभव किया है प्रैक्टिकली रिलेशन में? जब संस्कार टकराव आ जाता है तो अपने आप को जीरो बनाकर किसी ने इसका सुधार किया हुआ है? किसी का अनुभव है? हमने थ्योरी तो बता दिया लेकिन मैं इसी में काम कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसका नेगेटिविटी जब तक सुधार नहीं होता तो अपने कार्य में कुछ ना कुछ हर्ट होता ही रहता है, तो अपने वृत्ति में भी कुछ नेगेटिविटी रहता है। तो अभी आपने बताया कि अपने को जीरो करना है तो वृत्ति में, तो नेगेटिविटी जब बता देंगे तो उनको उनको हर्ट होगा, तो फिर बाबा ने बोला समाना भी है यूनिटी रहने का। किसी ने प्रैक्टिकल आधार से कुछ अनुभव है तो बता दीजिए, थ्योरी तो कुछ आवश्यक नहीं, जो अभी जो हमने चिंतन किया किसी का अनुभव है नहीं तो ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। जैसे आपने अभी बताया नेगेटिविटी का दूसरों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये तो होता ही है, क्योंकि बाबा बोले हैं जैसे ये कलयुग का अंत होता जाएगा वैसे प्रकृति भी और माया भी अति में जाएंगे। माया अति में जाएगी मतलब बुद्धि और कलयुगी आत्माओं की भ्रष्ट होती जाएगी और वो बार बार आपके साथ बुरा व्यवहार ही करते जाएंगे, मगर उनको उसका अनुभव भी नहीं रहेगा कि हम बुरा कर रहे हैं इनके साथ, इनकी भावनाओं को दुख पहुंचा रहे हैं, उनको यो अनुभव भी नहीं रहेगा, उनको वही सही रहेगा, सही लगेगा और वो वैसे ही करते जाएंगे। मगर अभी ये अति में जा रहा है तो इसके लिए हमें सशक्त बनना है। जब आत्मा में आत्मिक पावर बढ़ती जाएगी उसी आत्मिक पावर से ही हम अपनी बचाव कर सकते हैं, इसीलिए बाबा बार बार बोलते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये नहीं कि अब जब वो नेगेटिविटी ले बिहेव कर रहे हैं तो हम उसी समय उनको पॉजिटिव में परिवर्तन करके उनको हम पॉजिटिव सकाश दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे, हम उनको दुआएं दे, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमें खुद पहले सशक्त बनना है, जब वो हालात ना रहे, जब वो परिस्थिति ना रहे, तब हमको इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल योग कर करके हमारी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत बनानी है ताकि जब परिस्थिति आए तब वो हमारी योग की अवस्था एक प्रोटेक्टिव कवच हमारी बनी रहे और तब जाके हम उस प्रोटेक्टिव ऑरा से उनको वो जो नेगेटिव भेज रहे हैं वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा और हम उनको उसी आत्मिक स्थिति में रह के उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दुआएं दे सकते हैं। जैसे वो कितना भी बुरा करे आप एक स्माइल दो, एक मुस्कुराहट दो अपने मन से उनके प्रति कि ये आत्मा परवश है, ये आत्मा कमजोर है, तो इस तरह से हम अपने बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये तमोगुणी वायुमंडल और दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, इसलिए हमें अपनी आत्मिक अवस्था को पावरफुल बनाना है बाबा की याद में रह के। ओम शांति। ओम शांति। दिशिता जी ने जो बताया सारा एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये सब जो एक्सपीरियंस अनुभव हम करते हैं वो
ज्यादा से ज्यादा परिस्थिति या पेपर तो हमें घर में ही आते हैं, तो हमने अनुभव किया है कि जब हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारे उनको ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ समझ रहा है, और फिर वो जरा निगेटिव या ऐसे कैसे भी बातें करेंगे समझो बड़ों से, तो हमको वो प्रैक्टिकल में निर्माण बनना है और वो उसके इसके लिए निर्माणता का क्या बोलना आधार लेकर के हम वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, और हमने खुद किया है अनुभव और अपने आप उसको बच्चा या बच्ची कोई भी है तो उसको परवश है, तो शुभ भावना शुभ कामना दे के अपना उसको अच्छे अच्छे भावना से झुक हम खुद झुक करके कुछ दिन के बाद अपने आप उनमें भी बदलाव आता है। ये तो प्रैक्टिकल में हमने देखा है, भाई साहब बोल रहे थे ना प्रैक्टिकल, तो ये सब सारे प्रैक्टिकल तो पहले घर गृहस्थी में ही होंगे फिर बाहर होंगे। ओम शांति। ओम शांति। और भी एक अनुभव है, वो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे सर्कमस्टेंसेस वैसे हमें चलना है, तो जैसे अभी जैसे हम घर में रहते हैं तो किचन में दो आत्माओं का ही टकराव तो होते ही है, राइट, खाना बनाने में या खाना पकाने में ऐसे। तो जैसे एक आत्मा खाना बनाते हैं फिर पूरा जब अच्छा नहीं रहता है तो दूसरी आत्मा जाके फिर वो पूरा क्लीन करते हैं, तो पहले वाले को ऐसे दिखता है कि हाँ ये तो अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो फिर हम अपने गुणों से भी बोले बिना गुणों से भी हमें उन बता सकते हैं कि ऐसा करना है। तो ये हुआ नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, तो अपने गुणों से, जैसे जानकी दादी करती थी, अपने गुणों से उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करके बताना है, बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब हम करके दिखाते हैं बोले बिना तो काम बोलता है, तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ओम शांति। महात्मा भाई एक अनुभव है जो आपने सवाल पूछा, जैसे अपने लौकिक व्यवहार में कहीं ना कहीं विचारों का टकराव होते ही रहता है, तो कोई भी आत्मा आके हमसे अगर बात करती है या थोड़ा उग्र स्वभाव हो जाता है उनका, रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पीड़ा है, दर्द है, और उनको सिर्फ इतना चाहिए कि आप उनको सुन लें। हम क्या करते हैं कि हम डिफेंस में चले जाते हैं, हम खुद को बचाव करने में चले जाते हैं, और फिर हमारा ईगो शो अप हो जाता है उस समय पे, और हम सुनना बंद कर देते हैं। तो उस समय पे सिर्फ वो आत्मा को सुनना और समझना, भले आप वो बात को माने या नहीं माने, एक्सेप्ट करें या नहीं करें, उससे वो बात दूसरी हो जाती है, पर उनको सिर्फ सुन लें। जब हम सुन लेते हैं ना तो अगले का घड़ा खाली हो जाता है, और फिर उसके अंदर कोई भी चीज का निर्माण करना निर्मलता से वो करना पॉसिबल हो जाता है। पर उसी समय पे स्थिति को स्थिर रखना है, शांत रहना है। अगर कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है या ऐसा लगे कि वो गलत बोल रहे हैं, जैसे आपका नाम आत्म भाई है, अगर मैं आपको सुरेश भाई करके बुलाऊंगा तो आप नहीं सुनेंगे, वैसे ही अगर आपको कोई भी आके कुछ बोलते हैं ना, तो अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं मतलब हम वो बात मान लेते हैं, तो उस समय पे स्थिति को स्थिर रखना, स्टेबल रखना, और फिर एक शांति से उनको वो बात जो भी कर रहे हैं ना उसको एड्रेस करना। ये प्रैक्टिकल अनुभव आप कर सकते हैं, ये जो मैंने किया हुआ है ये मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। हाँ शुक्रिया भाई जी, इसी में मेरे को युक्ति बता दीजिए। तो आपने बताया कि उनको सुनने के लिए मेरे मनस्थिति व मेरे पहले प्रिपरेशन क्या होना चाहिए ताकि उनको मैं सुन पाऊँ, उस समय में बैठने से पहले मैं क्या अभ्यास करूँ, और जब बैठूँ तो मेरे स्थिति दगमग ना होने के लिए मेरी सो स्थिति में मैं क्या सोमान का प्रयोग करूं ताकि उनका बात पूरी तरह से सुन पाऊं और कुछ भी रिएक्शन ना करूं और बाद में उनका अवस्था देख के उनको निर्माण कर पाऊं। मेरा सो स्थिति और सो अभ्यास क्या होना चाहिए, इसमें कुछ ऐड हो सकते तो ऐड कर दीजिए, तो इसका अभ्यास करूंगा। शुक्रिया भाई जी। आसान है भाई जी, मैं को हटा दो, उस समय पे मैं को हटा दो। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, गॉट इट, शुक्रिया। शरीर भाव में आ जाते हैं ना।
तो अशरीर भाव में आके मैं को हटा दो बस, मतलब बिल्कुल जैसे वो आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसे किसी और के बारे में आपको बोल रहे हैं तो आप कैसे सुनोगे, आप उसी बात को शांति से सुनोगे। तो ऐसे समझो कि आप उन किसी और के बारे में वो बोल रहे हैं, उनकी पीड़ा बता रहे, बस वो मैं को हटा देना भाई जी। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा डिस्कस किया, तो अभी समय भी हो रहा है, तो विनेश भाई जी आप हमें होमवर्क भी देंगे आज के लिए और योग भी कराएं जी। तो आज का होमवर्क है तीन बातों में निर्माणता, मन में, वाणी में और संबंध संपर्क में। शरीर भाव से नहीं, आत्मस्थिति में रह के ये निर्माणता और निर्मलता को प्रैक्टिस करना है। यह है आज का होमवर्क। 2 मिनट में मेडिटेशन कर लेते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, निर्माणपन निरंकारी बनना है। हर एक आत्मा के लिए प्यार, अगला जैसा भी हो, अपनी स्थिति को हिलाना नहीं है, शांत रहना है, खुश रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना। पहले खुद मुक्त बनो, फिर औरों को भी मुक्त बनाने के निमित्त बनो। स्वतः बाप सम्मान बनने का पुरुषार्थ करना है और एग्जाम्पल बनना है। सिर्फ ज्ञान नहीं, धारणा पर भी पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। निर्माणता और निर्मलता, ये दोनों रख हर आत्मा के प्रति समझ, हर आत्मा के प्रति करुणा भाव, ये रख हर वेस्ट को, हर व्यर्थ को समाप्त करना है। हर एक बच्चा अपनी जिम्मेवारी को समझ ले, अगर आप और मैं हम अपनी जिम्मेवारी को समझ लें तो हम स्वर्ग बनाने के निमित्त बनेंगे और स्वर्ग यही बन जाएगा। दुआएं लेने के पीछे नहीं भागना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं दो और दुआएं लो। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, हैव अ नाइस डे। ओम शांति, शुक्रिया सभी तपस्वी शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम शांति, हैव अ नाइस डे। बढ़िया।